हर हर महादेव, कहां कहां पर प्रणाम निषेध है, किस व्यक्ति को किस अवस्था में प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसका दोष लगता है, मैं आपको प्रमाण सहित, शास्त्र के प्रमाण सहित आपको बता रहा हूं। दूरस्थम जल मध्यस्थम धावंतम धनुगर्वितम क्रोधवंतम मदोन्मत्तम नमस्कारोपि वर्जयेत। दूरस्थित यानी दूर कोई व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, वृद्ध हो, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। जल के बीच में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दौड़ते हुए को भी कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो धन के मत में अभिमान युक्त हो, धन का जिसको मद हो, अभिमान धन का हो, उसको कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए जो क्रोध में हो। नशे से जो पागल व्यक्ति हो, उसको कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कैसे, किस अवस्था में ब्राह्मणों को, किस परिस्थिति में ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। समित पुष्प कुशाग्रग्न भूमृदन्नाक्षत पाणिकः जपम होमम च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत। अर्थात पूजा की तैयारी करते हुए ब्राह्मण को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, और नित्य कर्म संध्या इत्यादि जप करते हुए ब्राह्मण को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, और जब ये सभी कार्यों से निवृत्त हो जाए उसके बाद में ब्राह्मण देवता को प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। ये शास्त्रों के प्रमाण है। स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम हमेशा वर्जित है, वे बैठकर ही प्रणाम करें, क्योंकि वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम, सूत्र के अनुसार स्त्री द्वारा साष्टांग प्रणाम करना निषेध है। वसुंधरा यानी धरती किसी भी भार को सहन कर सकती है, किंतु कामिनी कुछ मर्दनम, स्त्री के स्तन मंडलों का कभी भी भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। हर हर महादेव। इसी प्रकार की शास्त्रीय जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें, प्रश्न करें। हर हर महादेव।